आज के ऑनलाइन टेस्ट में हम देखने वाले हैं राज्यों से संबंधित 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके विभिन्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपको ये टेस्ट पूरा एंड तक देखना है और आप इसमें से कितने सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से आपको डेली ऑनलाइन टेस्ट की वीडियो मिलती रहे, साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग की वीडियो भी मिलती रहे, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपके पास सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँचने स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर करिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प होती रहे। आपको हर एक क्वेश्चन में 5 से 6 सेकंड दिए जाएंगे। उस 5 से 6 सेकंड में आपको क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों, इससे पहले जितनी भी ऑनलाइन टेस्ट की वीडियो अपलोड हो चुकी हैं उनकी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो सिर्फ आपको इतना बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में ऑप्शन A, B, C, D में से कौन सा राइट आंसर है। तो फटाफट राइट आंसर बता दीजिए, सभी को पता होगा इसका आंसर। तो बिल्कुल सही, पहले का राइट आंसर आपका ऑप्शन D हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन A रहेगा, पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, A इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? निम्नलिखित में सही जोड़ा कौन सा है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट आंसर है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन C आपका राइट आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। बाकी ये सारे के सारे रोंग लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इन चारों में से कौन सा राइट आंसर मतलब कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो वो बता दीजिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ऑप्शन A आपका सही नहीं है, देहरादून आपका उत्तर प्रदेश में नहीं आता। बाकी सारे शिमला हिमाचल प्रदेश में है, दार्जिलिंग आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है और पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश में। बाकी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? तो 5वें का राइट आंसर आपका ऑप्शन C हो जाएगा, झारखंड। बाकी इन तीनों से बांग्लादेश की जो है सीमा लगती है, झारखंड से नहीं लगती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी? तो 6 का राइट आंसर आपका ऑप्शन D हो जाएगा, बांग्लादेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन D हो जाएगा। ठीक है, 5 जो राज्य हैं वो नेपाल की सीमा से मतलब नेपाल की सीमा साझा करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आपका असम रहेगा। ठीक है, 8वें का राइट आंसर A रहेगा, मणिपुर अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम से म्यांमार की सीमा लगती है, असम से नहीं लगती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य समूह जिसने मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है। तो देखिए, नागालैंड से लगी हुई है, बाकी आपका मिजोरम से भी लगी हुई है, असम से भी। तो देख लीजिए इन चारों ऑप्शन में से नागालैंड से, असम से और मिजोरम, या आपका ऑप्शन C हो जाएगा राइट आंसर। 9 का राइट आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? तो यहाँ पे 10वें का राइट आंसर क्या रहेगा? राज्यों की किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? तो आपका अरुणाचल प्रदेश से भी लगती है और ये आपका असम और मणिपुर से भी लगती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 10वें का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सारे ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट रहने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 11वें का ए, किन्नौर से लगती है। किन्नौर से आपका हिमाचल प्रदेश के किस जिले से सीमा चीन के साथ लगती है? तो किन्नौर से लगती है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 12वें का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये आपका सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता भी होगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात। गुजरात की सबसे बड़ी तट रेखा है। भारत की तट रेखा है, भारत की कितनी मतलब कितने किलोमीटर की तट रेखा है? क्वेश्चन नंबर 14 है। सॉरी, देखिए 7500 किलोमीटर की आपकी तट रेखा है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, हाँ राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 15, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ये आपका हो जाएगा अरब सागर में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लक्षद्वीप द्वीप समूह में कितने द्वीप समूह है, ये आपको बताना है। बहुत बार क्वेश्चन आता है भाई, ये इसको नोट कर लीजिए। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 16 का, 36 द्वीप समूह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 17 क्वेश्चन, तो 17 है आपका अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर क्या रहेगा? तो ये दोनों द्वीप समूह हैं जो अलग किए गए हैं 10 डिग्री चैनल से। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं 10 डिग्री चैनल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी सैंडल पीक कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी, जिसको हम सैंडल द्वीप पीक के नाम से भी जानते हैं, कहाँ स्थित है? तो 18वें का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उत्तरी अंडमान में। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 देशों के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु का तटीय भूभाग है, उसको हम एक अलग नाम से जानते हैं, और वो किस नाम से जानते हैं? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कोरोमंडल। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इस नाम से, कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, केरल के तट को कहते हैं। अब जैसे हमने ऊपर देखा कोरोमंडल कहते हैं, उसी तरीके से केरल के तट को क्या कहते हैं। देखिए केरल का तट आपका अगर नीचे का आप देखेंगे तो जो तट है उसको क्या कहते हैं, मालबार तट। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मालाबार तट कहते हैं। ठीक है, मालाबार तट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो जैसे हमने ऊपर देखा केरल तट को क्या कहते हैं, मालबार तट, उसी तरीके से कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, कहाँ से कहाँ तक को कोंकण तट कहते हैं। तो देखिए 22वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, दमन से गोवा तक। ठीक है, दमन से गोवा तक के तट को हम क्या कहते हैं, कोंकण तट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है। तो सभी को पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है। तो बिल्कुल सही है, जम्मू कश्मीर में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्रीय तटीय सीमा सबसे छोटी है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। तो बिल्कुल सही है, 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोवा की। गोवा की जो समुद्र तटीय सीमा है वो इन सभी से जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से सबसे छोटी है। क्वेश्चन नंबर 25, स्मार्ट सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है। कोचीन में की जा रही है स्मार्ट सिटी स्थापित। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 26, दीव एक द्वीप है, दीव एक द्वीप है। 26, गुजरात से हटकर एक दीव एक द्वीप है, गुजरात से हटकर। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 26 का। ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, गुजरात तट से दूर जिस विवाद स्पष्ट तटीय पट्टी पर भारत और पाकिस्तान बातचीत कर रहे हैं उसका नाम है। गुजरात तट से दूर जिस विवाद स्पष्ट तटीय पट्टी पर भारत और पाकिस्तान बातचीत कर रहे हैं उसका नाम है। तो देखिए उसका नाम है सर क्रिक। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है।